मे 16 तारीख सारा विश्व पाळुछि पवित्र बुद्ध पूर्णिमा। एही तिथिरे जन्म निर्वाण और शेष निश्वास त्याग करथिले महात्मा बुद्ध। एही तिथिरे भारत निजर आणविक क्षमतार करथिला सफल परीक्षण। स्माइलिंग बुद्ध चमकाई देथिला विश्वकु। सबुबेले शांतिर बार्ता दै आसिछि परमाणु शक्ति संपन्न भारत। आज बुद्ध पूर्णिमा समग्र विश्व रे शांति पई वार्ता देथिबा भगवान बुद्धंक जन्म निर्वाण एवं तिरोधान दिवस। भारत सबुबेले बुद्धंक सत्य अहिंसा और शांतिर बाणी को विश्व रे पहुंचाइबा पई चेष्टा करिछि। तेबे निजर सुरक्षा पई आणविक शक्तिर अधिकारी होईछि भारत। 1974 मे 18 तारीख एवं 1998 मे 11 तारीख उभय दिन थिला बुद्ध पूर्णिमा तिथि। बुद्धंक स्मितहास्य एवं स्माइलिंग बुद्ध शब्द को नहीं बहुत चर्चा होइतला सारा विश्व रे। भारतर 1974 पोखरण एक एवं 1998 पोखरण दुई आणविक परीक्षण सफल होइतला। मात्र एहार सूचना विश्वर अन्य केउ देश पाखरे नथिला, कारण एने संपूर्ण गोपनीयता रक्षा करथिला भारत। पोखरण दुई आणविक परीक्षा सफल होबा परे प्रतिरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम कोड वार्ड तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को परीक्षण सफल होबार वार्ता देथिले। एहार कोड वार्ड ऑपरेशन शक्ति थिबा बेले एहा बुद्ध स्माइल अगेन एवं बुद्धक पुनः स्मितहास्य भावे प्रसिद्ध थिला। तेबे भारत केबे प्रथम आक्रमण करिवो नाही बोली विश्ववासी को आगे कहते तत्कालीन प्रधानमंत्री। ए बाबद रा चेंगपांग दि वेपन ऑफ पीस बा शांतिर अस्त्र बहिरे विस्तृत भावे लिखा जा। हजार कोड़े मसीहा पर्यंत समग्र पृथ्वी रे 9 आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र थिले। अमेरिका, रूसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया एमानंको पाखरे 17,400 रु अधिक आणविक रहिछि। विभिन्न कारणरु आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र दक्षिण आफ्रिका, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान निजर स्थिति हरायछंती। भारत जियो और जिने दोरे विश्वास रखे। सेदिन भारत बुद्ध हसिले बोली वार्ता देथिला। एहा मानव समाज पई क्षति नुहे बरम निज राष्ट्रर सुरक्षा पई बोली वार्ता देथिला बोली मत देछंती दिल्ली विश्वविद्यालयर बुद्धी स्टडी विभागर प्रोफेसर कामाख्या तिवारी। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर वह आया, यह हमारा मोटो है। सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। महात्मा बुद्ध ने भी सहअस्तित्व की बात कही है, अहिंसा की बात कही है, दूसरे को सुख और शांति के बात कही गई है। इसलिए जब 11 मई 1998 को भारत में के पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ तो तत्कालीन भारतीय सरकार ने यह मोटो रखा और वह स्माइल बुद्धा की बात कही। इसका तात्पर्य है कि विश्व को वह संदेश देना चाहती थी कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं है। आणविक शक्ति संपन्न हेबाकु अनेक देशमानक मध्यरे प्रतियोगिता जारी रहितो बेले भारत विश्व को एक नूतन वार्ता देथिला। गणतांत्रिक एवं दायित्व संपन्न राष्ट्र भाबे आणविक नीति को समग्र मानव समाज पई रखिथिला भारत। आज भारत बहुत आगरे रहिछि, सामाजिक क्षेत्र रे बहुत सशक्त होइछि, आत्मनिर्भर उपरे सरकार जोर देउछति जहा देश पई दरकार थिला बोली डिफेंस एक्सपर्ट देव महांती कहिछंती। मिलिट्री कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब बिगर वेपन्स, इंडिजेनस वेपन्स, सेटा गोटे फैक्टर रोचे। ये सब फैक्टर गुटा नहीं कि तापर एटा गोटे होची कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। जो नेशनल मिलिट्री पावर इटसेल्फ इज ए कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो आमर एबे जस्ट भूतपूर्व एबे जस्ट रिटायर करथिबा जो आमर फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नारावने कहिथिले जे आर्मी उपरे आर्म्ड फोर्सेस उपरे इन्वेस्ट करिया दरकार। ये जो इन्वेस्टमेंटा यार हाँ यार रिजल्टा एमती भिजिबल नईपे कि जो इन्वेस्टमेंटा बेकार जीवनी, कहीं जो इन्वेस्टमेंटा कर आर्म्ड फोर्सेस सेटा आमको जो कनसिस्टेंटली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सेटा हूँ तार आउटपुट। जेतेबेले भारत निजर आणविक शक्ति परीक्षा करथिला अनेक राष्ट्र यह प्रतिवाद करथिले। सेतेबेले भारत उपरे अमेरिका समेत अनेक राष्ट्र अंकुश लगाइथिबा बेले आज से सबुठ बड़ मित्र पलटिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।